सो भाई लोग, पेट्रोल बचाने की निंजा टेक्निक, धक्के लगाओ पेट्रोल बचाओ। सो भाई लोग देख सकते हो, अभी ये टाउन का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। अभी हम लोग इतना दूर का पेट्रोल बचाएंगे। सो अभी हम लोग फिलहाल धक्के मार रहे हैं अपनी गाड़ी को और देखते हैं कितना स्पीड तक जाती है बिना ऑन किए हुए इंजन को। और इग्निशन को फिलहाल हम लोग ऑन किए हॉर्न बजाने के लिए। अगर ये 30 नहीं अगर 40 टच कर जाती है गाइस, पक्का वाला प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई, जाते ही सबसे पहले मैं हेलमेट लूँगा। और ओ भाई 30 टॉस कर गया यार, ओ भाई 40 टच कर गया, बट फिलहाल हम लोग को ब्रेक मारना पड़ेगा अब भाई। सो अभी नहीं पड़ेगा। सो हे गाइस, यार व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, फिलहाल हम लोग अभी गिद्दी एस निकल रहे हैं, मेन गेट का एरिया क्रॉस कर रहे हैं और आगे चलकर हमें जेएम ऑफिस या अरगड्डा के एरिया हम लोग को स्टॉपेज पड़ेगा अगला। सो भाई लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अपना राइड कंटिन्यू कर रहे हैं एंड रेलीगढ़ा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मेन गेट से फिलहाल निकल चुके हैं एंड हमारा अगला स्टॉपेज में हम लोग देखते हैं कहाँ रुकते हैं। और ओ भाई देख रहे हो क्या ही ये गाड़ी निकला है गाइस, मे बी ये ड्यूक 250 था। और इधर देख सकते हो आपको छोटे छोटे, मतलब ऐसा मत सोचना कि ये जंगल है, जंगल के बीच बीच में आपको छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे, छोटे छोटे रोड्स मिलेंगे गाइस। सो मेक श्योर अगर आप लोग इस एरिया में, इस रोड में अगर आप लोग ड्राइव करते हो, सो थोड़ी थोड़ी दूर में आप लोग को अपनी हॉर्न क्लिक करनी है, अपनी हॉर्न बजानी है, बिकॉज ये छोटे छोटे रोड, छोटे छोटे जो रास्ते हैं, इनसे कहीं से भी लोग और गाड़ियाँ निकलती हैं। और ये बुलेरो वाले चाचा चढ़ा देंगे क्या? देख रहे हो गाइस किस तरह से वो ओवरटेक कर रहा था। और फिलहाल रेलीगढ़ा मोड़ हम लोग पहुंचने वाले हैं एंड उधर से ऑटो एक आ रहा है, देख सकते हो, एंड मालूम नहीं किधर जाएगा। देख रहे हो, यही मैं बोल रहा था आप लोग कैसे, देखो किधर भी मुड़ जाते हैं, मतलब इंडिया इंडिकेटर दिए हुए। सो यही है रेलीगढ़ा मोड़ और यही इधर का रोड का बात है। तो भाई लोग, अभी फिलहाल हम लोग रेलीगढ़ा और कांटा घर दोनों एरिया क्रॉस कर चुके हैं एंड फिलहाल हम लोग भी बुंडू एरिया क्रॉस करने वाले हैं, बुंडू एरिया मतलब एंटर करने वाले हैं। और मौसम फुल जोश में हम लोग राइड कंटिन्यू कर रहे हैं एंड हम लोग इधर का क्या ही मस्त नज़ारे हैं इधर के। और फिलहाल आगे देखते हैं क्या सीन मिलता है। सो तुम लोग स्किप बिल्कुल मत करना। सामने में मतलब स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे। सो गाइस, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा। और फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड ये देखो यहाँ फिर से आपको बहुत सारा स्पीड मिलता है, ये देख रहे हो गाइस। और फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये देखो गाइस, इधर को जो लोग हैं और हमारे हेलमेट को मतलब बहुत ही शौक होकर ये लोग देख रहे थे, मतलब बहुत सरप्राइज होकर मेरे हेलमेट को देख रहे थे। खाली रोड में मतलब ये दो लोग हमें मिले जो साइकिल में थे और ये देखो मतलब कुछ गाड़ियाँ आती आती रहती, बट जो हेलमेट में मेरा माउंट वगैरह लगा हुआ था ये सब देख कर मतलब लोगों का बहुत ही मतलब ओपी वाला रिएक्शन मिल रहा था, बट मालूम नहीं मेरे कैमरे में उतना कैप्चर हो पा रहा होगा या नहीं, बिकॉज अपना कैमरा नॉर्मल सा कैमरा है उनका, इसमें वाइड अल्ट्रा वाइड ये सारे ऑप्शन मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं दे रहे, जिसकी वजह से थोड़ा एंगल कम ही आ रहा। और इसको मतलब घर पहुंचते सबसे पहले मैं अपने एंगल को चेक करूंगा और पूरी तरह से प्रॉपर सेट करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट मोटो ब्लॉग जो भी होगा वो आपको परफेक्ट मिलेगा। सो वही ये
रिएक्शन चेक करो गाइस। एक बाइक वाला पूरा हेलमेट मेरी ओर घुमा कर देख रहा था। ओ चचा, अरे चचा पूरा कुदा रहे, तुम तो सांप बनो सांप। एक तो चचा स्कूटी वाले चचा एक हमें मिले और वो अभी आगे निकल चुके हैं। लाल पूरा चेक वगैरह में भी पूरा आगे बढ़े हैं। तो उनका सॉकर वगैरह लगता है ज़्यादा नहीं है, बट अपना जो सॉकर है वो पूरी तरह से बैठ चुका है, बहुत गंदा वाला पटक रहा है इस जर्क में, पता नहीं सकते हैं। फिलहाल ये देखो रोड यहाँ पे, देख लो रास्ता यहाँ पे गाइस। ऐसे ऐसे एरिया में मतलब है ना, बहुत डेंजर टाइप का लगता है। अचानक से रास्ता कहीं से भी दिख जाता है, लोग और गाड़ियाँ निकल सकती हैं यहाँ से, निकलती है, कई बार निकल चुकी है। सो यही सारा सीन है इधर का। ओ भाई बच्चे को देख रहे यार, बच्चे की रिएक्शन क्यूट रिएक्शन है यार, तुम लोग चेक करो गाइस बच्चे की क्यूट रिएक्शन को। यार क्या ही कूद रहा था यार कैमरा वैमरा हेलमेट पे देख कर, बट हम लोग नहीं रुक सकते बिकॉज हमने पहले ही लेट कर दिया और पापा जी मेरे बहुत गुस्सा हुए थोड़े से। ओ भाई ओ चचा किधर जा रहे हो बड़े स्पीड में? ओ सॉरी हमारा स्पीड कम है। सो अकेले रहता तो रुक जाता है, बट पापा जी है मेरे और वो सिर पे लाल है बिकॉज अपना लेट हो चुका है, और मैं अगर वहाँ रुकता तो मेरे चप्पलों की बारिश हो जाती, इसके लिए मैंने रुका है बच्चे के पास। ओ भाई कुत्ता, और यार बच गया यार। ये रोड में जानवर वगैरह और कुत्ते गाय भैंस बकरियाँ ये वो कोई सभी जानवर कहीं से भी टपक जाते हैं। तो मेरे भाइयों के कुछ दोस्तों के यार इस रोड में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए एंड ना जो गाड़ी का कंडीशन है वो सही नहीं है, इसके वजह से हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं जहाँ पे मतलब वैसा टक्कर लग रहा। फिलहाल देखो इधर रोड के साइड में इधर पीला पीला दिख रहा होगा। देख रहे हो किधर से भी जानवर आया था यार यहाँ पे, और सो इसलिए मैं यहाँ पे इस रोड में धीरे धीरे चल रहा हूँ थोड़ा गाड़ी कंडीशन को देख कर। और यहाँ देख सकते हो रास्ते लिटरली गाइस, आप लोग अगर सोच रहे हैं ये जंगल है, ये जंगल पूरी तरह से नहीं है, इसके अंदर भी यहाँ पे लोग रहते हैं बिकॉज ये गांव टाइप का एरिया है, विलेज टाइप का एरिया है। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे रोड्स रास्ते जंगल के बीचों बीच में मिल जाएंगे कटे हुए, और यहाँ से आपको आदमी इंसान लोग गाड़ियाँ फोर व्हीलर टू व्हीलर बोलेरो और ऑटो वगैरह आपको निकलते और जाते हुए मिलेंगे। और फिलहाल यहाँ देख सकते हो भाई रिएक्शन है चचा देख कर जरा। सो यही सारा सीन इधर का गाइस, और बाकी एरिया बहुत ही खूबसूरत है। ओ चची, और ये देखो 2 hours later अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो गाइस। मेरे एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग मतलब जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से लगभग 70% से भी प्लस मतलब लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को। यार क्या कर रहे हो यार, अगर देख रहे हो वीडियो में रेगुलर तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाएगा आपका, एक रुपये नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री यार सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स से अगर कुछ भी अच्छा लगे। एंड अभी हम लोग फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं गाइस, और तो ये डाउन टाइप का रोड हमें मिला है लाल रास्ते में, और यहाँ पे लोग चल रहे हैं गाइस लिटरली रोड में यार बीचों बीच में आप मतलब ये लोग तो बहुत साइड में थे और बीचों बीच में आपको लोग चल रहे हैं। और फिलहाल एक और यहाँ पे देख सकते हो रास्ता है, और फिलहाल गाइस हम लोग अभी जेम ऑफिस पहुँचने वाले हैं गाइस। यहाँ पे बाज़ार वगैरह यहाँ पे लगती है, सब देख सकते हो इधर साइड में मतलब एक छोटा सा मेला टाइप का लगता है। यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह सब्जियाँ वगैरह हमेशा मिलते रहेंगे। और फिलहाल ये देखो गाइस, ये चेक करो गाइस, आई होप आप लोग को दिख गया होगा यार, मेरा मालूम नहीं, घर जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो
देखते हैं कैसा रिकॉर्डिंग आता है। और फिलहाल जो भी रिकॉर्डिंग आता है गाइस देखो, अभी हम लोग ओवरटेक करते हैं यहाँ से। ओ ओ ओ भाई, इसको तो यार अभी पता नहीं यार इसको पीछे करेंगे यार, ये अचानक से घुस गया। देख रहे हो गाइस बिना आगे पीछे देखते हैं यार कहीं घुस गया, और ये हम लोगों ने इसको पीछे कर दिया गाइस। देख लो ये वापस से हमारे साथ रेस करना चाहता है मे बी। देख रहे हो गाइस, ओ भाई फिलहाल हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकते हैं बिकॉज इंजन कम पावर का है, और ऑलरेडी स्कूटी जो हमारी गाड़ी है ये लोडेड है। सो गाइस देखो, अभी हम लोग जेम ऑफिस क्रॉस कर चुके हैं एंड बस स्पीड का आपको ख्याल रखना है बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी लोग रोड वगैरह में बैठे हुए मिल जाएंगे आपको, या फिर चलते हुए, या फिर कोई सोया हुआ मिल सकता है गाइस। व्हाट द फक, देख रहे हो। फिलहाल आज तो हम लोगों को कोई सोया हुआ नहीं मिला है इस रोड पे, सब चलते हुए मिले। और अभी फिलहाल हम लोग अपने डेस्टिनी पे पहुंचने वाले हैं, अरगड्डा एरिया आने वाला है, वहाँ पे हमें स्टॉपेज लेना है थोड़ी देर। सो भाई लोग फिलहाल आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये सनी डे है, बट सनी मतलब सन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है बिकॉज ये जंगल टाइप का एरिया है, फॉरेस्ट टाइप का एरिया है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ठंड वगैरह फील हो रही है, और हाथ पूरी मतलब मेरी जम रही है गाइस, आप लोगों को देख कर अंदाज़ा नहीं लग रहा बहुत ठंड लग रही है गाइस यहाँ पे। सो फिलहाल हम लोग पीछे रुके थे और अपना जैकेट वगैरह का चैन वगैरह पूरा अच्छी तरह से जिप वगैरह पूरा अच्छी तरीके से लगा लिया, और यार जो भी मतलब इधर देख रहा है ना मेरे हेलमेट में कैमरा वगैरह बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहा है। आई होप वो सारी रिएक्शंस रिकॉर्ड हो रही हो, थोड़ा सा भी रिकॉर्ड हो। और इधर देख सकते हो यहाँ से भी एक रोड एक रास्ता पास हुआ जेम ऑफिस के पास, आपको देखा होगा यार वो टेम्पो वाला अचानक से सामने आ गया था। सो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लो गया है, सो हम लोग नॉर्मली चलने की कोशिश कर रहे हैं, और फिलहाल हमारा स्टॉपेज आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक आप ख्याल रखें अपने अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का। कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड सपोर्ट मी गाइस। आज का व्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं।